वेलकम। आज डीआई का क्लास है। डीआई के बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं और आप सभी बहुत हद तक डीआई, उसके नेचर, इससे परिचित भी हो चुके हैं। कोई भी नया डीआई का क्वेश्चन आने पर आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो ये पिछले 27 नवंबर संडे को जो एग्जाम हुआ 2016, उसके ही क्लर्क का क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क जिसका एग्जाम हुआ। जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको देखते हुए ये आसान लगेगा, पर मेरा कहना है कि आप ये सोचते हैं कि आप कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं बना पा रहे और आपकी समस्या वहां है। जी नहीं, आपकी समस्या वहां है ही नहीं, आपकी समस्या तो कहीं और है। आपने कभी सोचा है? आप कहते हैं कि मैं 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन के सेट में बस 25 ही बना पाता हूं, 25 से ज्यादा मुझसे बनता ही नहीं, ऐसा आप कहते हैं। 25 से ज्यादा टफ क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बनते। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चन आप बनाते हैं, जिन पर आपको नाज है कि आपने 25 क्वेश्चंस बना लिए, अरे वही दुश्मन है आपका। 30 मिनट्स ले लिया उसने और 25 क्वेश्चन आप बना पाए। जिन्हें आप आसान कहते हैं उन्हें 15 मिनट्स में बनना चाहिए था उस 25 क्वेश्चंस को। जिन्हें आप आसान कहते हैं उनमें इतना समय क्यों लगा? अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आपने 30 मिनट्स दे दिया 25 क्वेश्चंस जिसको आपने बनाया, आपके पास 31st मिनट कहां है कि उन सो कॉल्ड हार्ड क्वेश्चन के लिए आप उसको ले जाएंगे? सबसे पहले कल्प्रिट आपका वही 25 क्वेश्चन है जिस पर आप गर्व करते हैं। उनको पहले देखिए, उन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से बनाया था, क्यों लगा मोर देन 1 मिनट 1 क्वेश्चन पर? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर लिए होंगे। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिस पर आपने 2 या 3 मिनट्स भी दिए। वैसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व क्यों किया? उनको छोड़ देना था। ऐसे 5 क्वेश्चंस × 2 10 मिनट्स आप छोड़ दिए होते तो जिन्हें आप सो कॉल्ड हार्ड कहते हैं वैसे आप 10 क्वेश्चंस बना सकते थे। इसलिए जिन्हें आप आसान कहते हैं उनको जब तक 15 मिनट्स में 25 नहीं बनाते आसान नहीं कहा जाएगा। 30 मिनट्स में 25 को आसान नहीं कहा जाएगा। इसलिए अपने प्रोसेस में सुधार लाइए। आखिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही, आपका सिलेक्शन उसमें होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके प्रोसेस में कहीं खामियां हैं। आइए एग्जाम के इस 5 क्वेश्चंस जो डीआई हैं इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से कैसे बनाए। आइए। गिवन बिलो इज द टेबल showing marks out of 100 of 5 students A, B, C, D, E in class tests on different days of a week. किसी वीक में 5 days क्लास हुए, 5 students हैं A, B, C, D, E, इन्हें out of 100, इसका मतलब जो भी है वो परसेंट में है, तो उन्हें मार्क्स कितने मिले? क्लास टेस्ट जो हुए उसे मार्क्स कितने मिले? कहने का मतलब स्टूडेंट ए को मंडे को जो क्लास टेस्ट हुआ उसमें 74 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 दैट मीन 74%। ए को ही ट्यूजडे को 69 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 दैट मीन्स ऑल डाटा आर इन परसेंट, कैन बी टेकन एज परसेंटेज, कैन बी अज्यूम्ड एज परसेंटेज सिंस टोटल फुल मार्क्स इज 100। तो 74%, 69%, 49% ऐसे। उसी तरह से बी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मंडे को क्या मार्क्स मिले? 65, माने 65%। और ऐसा ही है। अब इस पर क्वेश्चंस होंगे, आप ऑपरेट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। आई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ बी, टोटल स्कोर ऑफ बी ऑन मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे। बी का मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे इन 3 डेज में जो टोटल स्कोर आया,
यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों को सम कर लीजिए। अब करेंगे कि नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन कहता है अगर कर लिया जाए तो ठीक है तीनों का सम कर लेते हैं। एंड द टोटल मार्क्स टोटल स्कोर ऑफ ई ऑन ट्यूजडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर, यानी ट्यूजडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ई का जो मार्क्स है क्लास टेस्ट का उसको भी आप एड कर लें और तब लेस कर दें, व्हाट इज द डिफरेंस, तो एग्जाम भी लेस हो जाएगा। तीनों का सम क्यों करें? एक दिन में कितने का लीड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव क्यों ना मान लें? नहीं समझे? देखिए आपके पास यहां लिखने का समय नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, मैं नहीं चाहता लिखूं। मंडे वेंसडे एंड थर्सडे, तो सबसे पहले मंडे को पकड़ता हूं 65 और उसका ट्यूजडे को पकड़ता हूं, ई का ट्यूजडे को पकड़ता हूं, तो क्या है 7 less 65 और 72 है, तो यहां कितना हुआ 7 less। उसके बाद क्या है देखिए वेडनेसडे और उधर भी है वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे 82 और यहां 59, क्या हुआ 23 plus 23, ज्यादा होने से प्लस, मोर होने से लेस, होने से माइनस। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये थर्सडे है और ये फ्राइडे है, यानी -2, यानी ये 9 को लेस कीजिए 14 का डिफरेंस है, इसका आंसर हुआ 14। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करेंगे तुरंत होगा, मुश्किल से 15 से 18 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, आपके पास तो हाफ मिनट है मेन क्वेश्चन के लिए आराम से। समझ में आया? या किन्हीं को समझने में दिक्कत है? अच्छा मैं बना देता हूं, इनको आया था 65, इनको आया था 82 और इनको आया था थर्सडे 72, ये बी का है ठीक है, और ई का ट्यूजडे 72, उसके बाद ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे 59 एंड फ्राइडे को 74, ये हमने लिया था पर्टिकुलर डायरेक्शन को इसको पॉजिटिव मानते हुए, तो ये हुआ -5, ये हुआ +23 और ये हुआ -2, इन्हीं का वैल्यू निकालने पर 2 है और ये 72 है तो -7, तो ये 9 लेस किया तो ये +14, यही 14 आंसर है। अब तो समझ में आ गया होगा, किन्हीं को नहीं आया होगा इसलिए मैंने लिखा, लेकिन ये क्या करते हैं इसलिए मैंने लिखा है, ये करना नहीं है, नहीं होता है दोनों का 1-1 लेते जाइए ना, 65 है और 72 है, एक एक लेते जाइए ठीक है। मार्क्स ऑफ ई ऑन मंडे, ये आपके पास संडे का क्वेश्चन है एग्जाम का, बिना पेन पेपर के भी आप बना सकते हैं, ऐसा भी है। मार्क्स ऑफ ई ऑन मंडे, ई ऑन मंडे मान लीजिए 84 लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, लिखा ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन मार्क्स ऑफ बी ऑन थर्सडे, मार्क्स ऑफ बी ऑन थर्सडे 72। देखिए अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि कितना मोर है, तो भाई इससे 12 मोर है, तो ये क्या है, इसके लिए फुर्सत नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते, इसको तो आप भूल जाइए, सवाल ही नहीं उठता। 7-6 का कितना परसेंट है? नहीं, 7-6 से कितना परसेंट ज्यादा है? अरे 7-6 से 1 ज्यादा है, 1/6 हम लोग जानते नहीं है क्या? 16 and 2/3% मोर आंसर, 1/6 का वैल्यू होता है 16 and 2/3%, 1/7 का वैल्यू होता है 14 and 2/7%, 1/9 का वैल्यू होता है 11 and 1/9%, 1/11 का परसेंट वैल्यू होता है 9 and 1/11%, 2/3 का परसेंट वैल्यू होता है 66 and 2/3%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनके परसेंट वैल्यूज हैं, ये मैं रटने नहीं कहता, ये आप परसेंटेज वाला देखिए, मैं इस तरह से बात करता हूं कि वो आपको याद हो जाता है, परसेंटेज का एपिसोड देखिए, वो रटने के लिए मैं बहुत कम चीजें बोलता हूं, आप उसको समझ करके पढ़ें, देख लेना समझ करके तो चीजें याद हो जाएंगी।
इसके लिए पेन पेपर की क्या जरूरत थी, हम लोगों को तो नजर आ रहा है 7/6 है, 1 ज्यादा है 1/6 ज्यादा है 1/6 मींस 16 × 2/3%, समझ गए 16 × 2/3%। What is average marks scored by C on the given days? Average तो आपको ऐसे निकालना ही पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आपको तुरंत आंसर देना है तो। C का जो क्लास टेस्ट में 5 days में एवरेज है निकाली, सबको ऐड करके डिवाइड कर दें 5 से, एग्जाम रहेगा, सवाल ही नहीं उठता, ये तो यही हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं 36, 70, 75, 62 and 77। देखिए डाटा देखते हैं, ये थोड़ा और टाइप का है लेकिन बाकी सभी 70 के आसपास है। क्या करते हैं सुनिए, बोलते हैं आप 70 हो, ठीक है रहिए, आप भी 70 रहिए, 5 आ जाइए, आप भी 7 आ जाइए, 12 हो गया ना, 12 मेरे हाथ में है, ये भी 70 हो चुका है, देखिए ये 70 था ही, ये भी 70 हो चुका है, जल्दी बोलिए 12 मेरे हाथ में है, नहीं समझे, 70 है इससे 5 ले लिए, 70 है इससे 7 ले लिए, 12 हुआ हाथ में और 12 में से 8 इसको दे दिए, ये भी 70 हो गया, बाकी बचा 4, 4 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, तो ये हो गया 40। हम लोग बोले 40 है, अरे सबके पास 70 है, कर्ज लीजिए ना, कर्ज लीजिए, 30 लीजिए ना, 30 लीजिए, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, आप भी 70 हो जाएगी। हाँ तो सबके पास 70 है तो एवरेज 70 है, ओके, एवरेज चैप्टर आप पढ़े होंगे, सब लोग खुश, एवरेज जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है यदि मैं घर से बाहर, घर में आने के बाद तो सभी फैमिली मेंबर हो जाते हैं, 5 के 5 एक फैमिली मेंबर हो गए, मेरा सुख भी बटेगा मेरा दुख भी बटेगा, सबका पैसा बराबर बांटने के बाद अगर 30 रुपीज बचता मेरे अकाउंट में, सबों को मिल जाता 666, मेरा कर्ज भी तो मिल जाएगा ना, सुख लीजिएगा तो दुख कहां जाएगा, वो जो मेरे अकाउंट का -30 है वो भी बांट लीजिए सभी 5 मेंबर्स, ईच विल गेट -6, और हमने माना था 70, 64 इज द आंसर। सबों को 70 करने पर अगर +30 आता, ऐसे समझिए +30 आता तो सबों के पास तो 70 हो चुका है, सबों का पैसा या सबों का जो भी मार्क्स है बराबर बांटना है, इक्वली बांटना है, या सी का सारा मार्क्स हर दिन का इक्वल करना है, तो 30 हाथ में है तो 30 को बांटिए, 666 मिलेगा कि नहीं, अगर प्लस होता तो 70 + 6, माइनस है तो 70 - 6, 64 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सी ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे टुगेदर टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी ऑन द सेम डेज, सी एंड डी के बारे में कहा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सी, ओके सी ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे दैट इज 145, 70 and 75 दैट इज 145 इज टू ऑन द सेम डे टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी ऑन द सेम डे 51 एंड 64 यानी 115, ये रेशियो है। जब मैं कहता हूं कि यूनिट पेस पर डिजिट्स आता है तो उसे हम डबल कर देते हैं, कई स्टूडेंट बोलते हैं 5 नहीं आया तो नहीं कर सकेंगे भाई, 5 आएगा तो ही कर सकेंगे, क्योंकि 5 × 2 करने से ही 0, 10 होता है, 6 × 2 करने से नहीं होता, 7 × 2 करने से नहीं होगा, तो क्या करेंगे, जो करना है कीजिए, लेकिन डबल नहीं करेंगे, डबल तभी करेंगे जब यूनिट प्लस पर 5 हो, ये एक हथियार है आपका, और ये तो बार बार आता है, मेरे बोलने की चीज थोड़ी है, ये तो आपका एग्जाम था संडे को, देखिए इसको जैसे ही डबल करते हैं ना, डबल करते हैं, ये 0 लिख के क्या फायदा, डबल करते हैं देखते हैं, ये मैं बना रहा हूं थोड़े, ये तो एग्जाम में आ रहा है, 5 यूनिट प्लस पर आए तो डबल करते हैं, ये बड़े काम का हथियार है, चाहे डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर क्या हुआ 29:23। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन,
टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ई ऑन ऑल डेज टुगेदर, ई ऑन ऑल डेज टुगेदर आर हाउ मच मोर देन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए ऑन ऑल डेज टुगेदर। ई का सभी 5 डेज का मार्क्स ऐड कर लिया जाए, ए का सभी 5 डेज का मार्क्स ऐड कर लिया जाए क्लास टेस्ट का, और फिर ई वाले सम में से ए वाला लेस कर दिया जाए तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन के कहने से क्या होता है, सबको सम कर ले कितना होगा ना भाई, हर दिन कितना कितना ज्यादा हुआ देख लेते हैं ना, नहीं समझे, ऐड करके लेस करना। अरे फर्स्ट डे देखते हैं ना 10 मोर था कि नहीं, देखिए तो 74 और 84। सेकेंड डे 3 मोर था कि नहीं, थर्ड डे 10 मोर था कि नहीं, फोर्थ डे 13 मोर था कि नहीं, और फिफ्थ डे 7 मोर था कि नहीं, 20, 30, 43 इज आंसर। पूरी कितना समय लगेगा, 5-6 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 43 इज आंसर। आप एक बात गौर कर रहे हैं, बार बार ये बातें आ रही हैं कि उनके एवरेज का डिफरेंस निकाल दीजिए, बार बार आ रहा है उनके सम का डिफरेंस निकाल दीजिए। सम का डिफरेंस क्यों निकालेंगे, सम करें इतनी मेहनत से, बड़ा बड़ा नंबर फिर लेस करें, छोटे छोटे नंबर में ही फैसला क्यों ना कर दें। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ तो हर वैल्यू बड़ा था, कोई छोटा भी हो सकता था, स्मॉलर भी, तो जब हम लोग लार्जर बोल रहे ना 74 84, तो हमने प्लस 10 किया तो 69 आया, अगर वहां पर 62 होता ना तो -7 करते, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आसान है, इतना डीआई बनाइएगा तो फिर इस डीआई में क्या है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चंस थे ना 2 से 3 मिनट्स में बन जाने चाहिए। अगर आप 2 से 3 मिनट्स में बना सके तो ही क्रेडिट है, तो ही आसान है, अगर 10 मिनट्स में बनाए तो इससे हार्ड ढूंढना मुश्किल है। ऑल द बेस्ट।